नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जेटेट अभ्यर्थियों के लिए एक जरूरी सूचना निकल के आ रही है। इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। जो भी जेटेट के अभ्यर्थी हैं, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। सबसे पहले तो कल जो कि जेटेट का सिलेबस जारी कर दिया गया जेक की तरफ से, वो बेहुद्दा सिलेबस आप लोगों ने भी देखा है कि किस ढंग से उस सिलेबस को बनाया गया है, यानी कि वो सिलेबस ही आउट ऑफ सिलेबस है। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मुझे इस तरह वर्ड का उपयोग करना पड़ रहा है, लेकिन अब हद हो चुकी है। अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ इस कदर खिलवाड़ कर रही है यहाँ के सरकार व अधिकारी कि क्या ही कहा जाए। यानी कि एक परीक्षा कंडक्ट कराने को लेकर से आपका नियमावली में कई बार संशोधन कराने को लेकर, और अब जब सिलेबस आया हुआ है तो इस पर विरोध करने को लेकर कई बार अभ्यर्थी आंदोलनरत हुए हैं। यानी कि अब आपको परीक्षा कराने के लिए भी आंदोलन करना होगा, सिलेबस जारी कराने के लिए भी आंदोलन करना होगा, और अब जब सिलेबस आ गया है तो ऐसा सिलेबस बना दिया गया है कि यहाँ के अभ्यर्थी पास ही नहीं कर पाएंगे। यानी कि इस लेवल पर उनको हरासमेंट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है कि क्या ही कहा जाए। अगर इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्नों को तैयार किया जाए और अभ्यर्थी प्रश्न तैयार करके ये जो सिलेबस जो अधिकारी बनाए हैं उनको बैठा दिया जाए तो वो भी क्वालिफाइड नहीं हो पाएंगे। ये जो परीक्षा जो कि एक अर्हता जांच मात्र एक परीक्षा है, जिस पर ऐसे ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं कि यहाँ के अभ्यर्थी पास ही नहीं कर पाएंगे। इस पर सेक्शनल कटअप का प्रावधान कर दिया गया है, यानी कि आपको इच सेक्शन में पास करना अनिवार्य होगा, साथ में ओवरऑल आपको 60% के साथ पास करना होगा। तो ऐसे में यहाँ के अभ्यर्थी कैसे पास करें, जबकि अदर स्टेट में इस तरह का टेट अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है तो ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं लगाया जाता है। और अब जब सिलेबस आया हुआ है तो इतना वास्ट दे दिया गया है कि उसे कवर करना तो छोड़िए, उसका जो सिलेबस का पोर्शन है उसे अभ्यर्थी शुरू भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना वास्ट बनाया ही गया है। तो इसके लिए जेटेट के अभ्यर्थी 23 अगस्त 2024 यानी कल जेक ऑफिस पहुंच रहे हैं सुबह 10 बजे। अगर आप भी जेटेट के कैंडिडेट हैं तो आप भी ज़रूर पहुंचिए, क्योंकि यह आपकी लड़ाई है और सिलेबस चेंज करने की मांग कर रहे हैं, बिकॉज सिलेबस को इतना वास्ट बनाया गया है कि इस सिलेबस से वो तैयारी नहीं कर पाएंगे। इवन वह जो आपका क्वालिफाइंग पेपर में भी पास नहीं कर पाएंगे। तो जो भी जेटेट के कैंडिडेट है वह 23 अगस्त यानी कल जेक ऑफिस रांची सुबह 10 बजे ज़रूर पहुँचे। यह आपकी लड़ाई है, आपको पहुँचना अनिवार्य है। अगर आप नहीं पहुँचते हैं तो फिर आपके साथ इसी तरह की मनमानी की जाएगी। अभी तक आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, फिर रिजल्ट आएगा, तो इसके लिए आप पहले से यूनाइट हो जाएं। अभ्यर्थी बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर अभ्यर्थी 23 अगस्त को रांची पहुंच रहे हैं, एक वीडियो उनके लिए बना दिया जाए ताकि अभ्यर्थी यूनाइट हो पाएँ और अपनी मांग को प्रमुखता से रख सके। तो ऐसे में जो भी जेटेट के कैंडिडेट है, रिक्वेस्ट है कि शांतिपूर्ण रूप से आप अपनी मांग को रख सकते हैं कि सिलेबस को थोड़ा लचीला बना दिया जाए ताकि अभ्यर्थी आसानी से अपना तैयारी कर पाएँ, अन्यथा अभ्यर्थी बाध्य हो जाएंगे कुछ गलत कदम उठाने के लिए। तो ऐसे में शांतिपूर्ण रूप से अपनी मांगों को आप रखें, जरूर इस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और जो भी आपकी डिमांड होगी वह सुना जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आपको और कुछ डिटेल जानकारी चाहिए तो आप कमेंट हमें कर सकते हैं। नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप हमें सुझाव दे सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, किस जिले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।